अच्छा, सारे दर्शक जानते हैं अनु सर को, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है आपके पास? रुक, तेरे को बताते, मैं आपसे मिला था 2012 में पहली बार। आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा, फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े कूड़ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, क्यों? इसके लिए। गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या पे पेंस बेचते हैं? नहीं। पहले मुझे सवाल का जवाब दें कि शॉपिंग करते हुए कस्टमर्स में ज्यादा औरतें तंग करती हैं कि मर्द? औरतें करती हैं। किस औरत ने आपको बहुत तंग किया? नानी। आप कर रहे हैं? औरतें। कितना तंग करती है? इतना तंग करती है को घर से तंग होती है, मैं तंग करती हूँ। अब आप आए हैं मेरे पास, मैं आपको कह रहा हूँ इसका 500 है, आप कहेंगे 200 ले ले, वो फिर मेरे बारे में नहीं आता जी। तो वो कौन सी औरत थी जो 200 की लेके गई? सेम आप जैसी थी जो 200 की लेकर गई है बेटे। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 200 की पेन ले गई जी, तो वो कितनी चलाक होगी ना मेरी तरह की। हम भी चलाक है, हम भी तो उसे फ्रेश दी है, ऐसी फटी पेंटे दी है। Well done, well done, well done. घर वाले देखते हैं, अब घर वाले समझ जाते हैं कि चलो काम है, गालियां दे रहा है वीडियो में, तो कोई नहीं काम है वो अलग है, बाकी उनके सामने नहीं देता। अच्छा। तो काफी लोग पूछते भी हैं कि आपके घर वाले वीडियो देखते हैं, यार मैं पॉन थोड़ी बना रहा हूँ। देखते हैं घर वाले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही कन्यादान की उम्र में कांडी बनने का शौक है क्या तुझे? चुप बैठ जा, नहीं तो यहीं कहीं गाड़ मार दूंगी। बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं है, थाईलैंड में लग जाता है। गरम क्या है? तेल। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात बताएं आपको मुकेश भैया, इस शादी ब्याह के मामले में ना ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब हमको देख लीजिए, डैडी लड़की लोगों का फोटो लेकर आए शादी के लिए, हमको एक लड़की पसंद भी आई, हमने कहा 6 महीना में करेंगे, लेकिन डैडी को लड़की ज्यादा पसंद आ गई, 2 हफ्ता में खुदाई कर लिए। म्यूजिक। फुलवारी हमारी अम्मा बन गई। एक बॉटल फिनाइल देना। भाभी जी, भैया से बन नहीं रही क्या? भैया जी, एक पैड देना। भाभी जी। हाँ भाई। इसे हार्दिक, आपको याद है एक बार आपने एक मैच में ना छक्का मारा था, और एक्साइटमेंट में मैं स्टेडियम के अंदर घुस आई थी। ड्रिंक ब्रेक हुई थी ना, ठंडा मांगने आई थी। मेरी भी 6-7 हैं। क्या क्या दोस्त लोग? अच्छा, मुझे लगा गर्लफ्रेंड। नसीब खा, वैसे वो तुम्हारी हो भी नहीं सकती, तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता है ना। तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता है ना। गजब बेइज्जती है। Hi everything, how are you to find now? Are you feeling right now? Please always wear face mask and use hand sanitizer, because
Corona disease is a very, very dangerous city. And always keep social distinguish. Romeo, save me! Share and subscribe my video!